देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित कर दी हैं, जबकि 3 दिसंबर को इन सभी 5 राज्यों में वोटों की गिनती की जाएगी और परिणाम घोषित होंगे। मिजोरम में 7 नवंबर को एक चरण में मतदान होगा, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को, राजस्थान में 27 नवंबर को, तेलंगाना में 30 नवंबर को एक चरण में वोटिंग की जाएगी, जबकि एकमात्र छत्तीसगढ़ में चुनाव 2 चरणों में होगा। यहां पर वोटिंग 7 और 17 नवंबर को की जाएगी। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो यहां पर सत्तारूढ़ बीजेपी और मुख्य चैलेंजर कांग्रेस दोनों की ही धड़कनें बेहद तेज हैं, क्योंकि यहां पर बीजेपी के लिए चुनौती जहां सत्ता में कायम रहने की है, तो वही कांग्रेस के लिए ये चुनाव मध्य प्रदेश की सत्ता में लौटने का मौका है। यहां आपको बताते चलें कि मध्य प्रदेश में होने वाला विधानसभा चुनाव कई मायनों में बेहद रोमांचक रह सकता है। कारण यहां की जनता का मूड है। यहां पर पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2018 में हुए चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता का स्पष्ट जनादेश किसी पार्टी को नहीं मिला था। कांग्रेस चुनाव जीत भी गई थी, हालांकि बाद में जोड़ तोड़ से कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब रही थी और कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन बाद में कांग्रेस विधायकों के दल बदल के कारण मध्य प्रदेश असेंबली में कांग्रेस मेजोरिटी नहीं बचा पाई और इस तरह से शिवराज सिंह सत्ता गंवाने के बावजूद फिर सत्ता में लौटे और मुख्यमंत्री बनाए गए। यहाँ के असेंबली स्ट्रक्चर की बात करें तो मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटों के लिए मुकाबला होगा, जिसमें 116 के मेजोरिटी आंकड़े को हासिल करने वाला दल ही सरकार बनाने की पोजीशन में होगा। अगर मध्य प्रदेश की मौजूदा स्थिति को देखें तो मध्य प्रदेश विधानसभा में सत्तारूढ़ दल बीजेपी के पास कुल 127 सीटें हैं। मध्य प्रदेश असेंबली में दूसरा सबसे बड़ा दल 96 सीटों के साथ कांग्रेस है, वहीं बसपा 2, सपा 1, जबकि अन्य के पास 4 सीटें हैं। लेकिन ये आंकड़ा 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद हुए जोड़ तोड़ के बाद का है। अगर 2018 के चुनावी नतीजों की बात करें तो मध्य प्रदेश में 2018 के चुनावी नतीजों में कांग्रेस पार्टी 114 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। हालांकि बहुमत के 116 वाले जादुई आंकड़े से वो भी 2 सीट पीछे रह गई थी, जबकि बीजेपी 109 सीटें जीत पाई थी, बसपा 2, सपा 1, जबकि अन्य के पास 4 सीटें ही थी। उसके बाद कांग्रेस ने अन्य के समर्थन से सरकार तो बना ली थी, लेकिन उसे बचाए नहीं रख पाई थी और इस तरह से जोड़ तोड़ के जरिए बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रही थी। चुनौती अब 2023 के चुनाव की है। दोनों दल फिर से आमने सामने हैं। बात जहां तक जनता के मूड की है तो वो किस ओर स्विंग करेगी, इसे लेकर कुछ भी फिलहाल ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।